बेटा क्या कह रहा हूँ? देखो अम्मा, भास्कर मेरा भी पुत्र है और तुमने स्वयं ने ऐसा कहा था कि तुम्हारा कार्य केवल ये देखना है कि मैं अपनी स्त्री के साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना करूं। तो मैंने शारदा के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। सौदा कर दिया है? असंभव, बापू मुझे सब याद है। ये अम्मा शारदा को मार्ग पर लाने के लिए आपकी कोई नई युक्ति है? शारदा, तुम इतनी चिंतित क्यों होती हो? मैंने कहा ना, भास्कर के नए माता पिता विजयनगर के ही रहने वाले हैं, तो जब कभी मिलने का मन करे उनसे एक दिवस पूर्व अनुमति लेकर भास्कर से मिल लिया करना, है ना? सो, अब भास्कर के विषय में चिंतित होना छोड़ो और स्वर्ण मुद्राएं गिनने के विषय में सोचो जो हमें भास्कर के बदले में मिलने वाली है। क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूँ। कहे के मैं धन भी ले चुका हूँ और सारी लिखित औपचारिकताएं भी हो चुकी हैं। अच्छा सुनो, अब शीघ्र जलपान का प्रबंध कर दो। कहे कि भास्कर के नए माता पिता आने ही वाले हैं। तब तक मैं शयन कक्ष में विश्राम कर लेता हूँ। जैसे ही वो आ जाए मुझे सूचित कर देना, ठीक है? अम्मा, शारदा बहन, आप चिंतित ना हो। पंडित रामकृष्ण, प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम शारदा देवी। प्रणाम। आप सब? ये सब क्या है? स्वर्ण मुद्राएं। हमने सुना है कि पंडित रामकृष्णा धन के बदले विवाह करने के लिए उपलब्ध है। हम सब भी यहाँ पंडित रामकृष्णा से विवाह करने के इच्छुक हैं। क्षमा करना, हम भी कहाँ आपका समय नष्ट कर रहे हैं। निर्णय तो पंडित रामकृष्णा को ही लेना है। कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है? पंडित रामकृष्ण। हाँ, वैसे आप सब देवियाँ कौन हैं और मेरा नाम इतनी प्रेम से क्यों पुकार रही थी? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे विवाह करने आए हैं। सच्ची? जी पंडित रामकृष्ण। उचित है, किंतु धन तो लेकर आई है ना? जी हाँ, धन भी लाई है। अमेश्वरी, शारदा महोदया, कृपया अच्छी तरह से जांच कर लो, देख लो धन की मात्रा उपयुक्त है भी या नहीं। वो बातें कर लेंगी, किंतु मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा, मैं आप सबसे विवाह करूंगा। हाँ, चार विवाह। पंडित रामकृष्ण दूसरा नहीं बल्कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ना जाने कितने विवाह करने वाले हैं। अब तो आपको हमसे विवाह करना ही पड़ेगा। हाँ, हम तो मात्र आपसे दूसरे विवाह का ही निवेदन कर रहे हैं स्वामी, कर लीजिए ना। अरे पंडित रामकृष्ण, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अरे तुम दोनों देख क्या रही हो? इस धन को अपने संरक्षण में तो ले लो। नहीं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन है। और अगर धन की कमी होगी तो हम और धन उपलब्ध करा देंगे। तुझे और विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वाह 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 शारदा देवी, अम्मा की वाणी को शब्द देने का कार्य भी तुमने सुगंधा देवी को सौंप दिया। वाह। और अम्मेश्वरी, मैं और विवाह करूंगा या नहीं इसका निर्णय केवल और केवल मैं ही लूंगा। इन सुंदर स्त्रियों को तो देखो, इनसे विवाह करने के लिए कोई मूर्ख ही मना करेगा। देखो इन्हें, इतनी सुंदर स्त्री तुमने कभी देखी है अम्मा? अरे इनकी मुस्कुराहट देखकर तो तुम मूर्छित ही हो जाओगी। देवी जी, मेरी अम्मा को कृपया एक बार मुस्कुराकर दिखा दे। अरे नहीं, देखो कितनी छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी है। हाँ, तुम तो इन्हें गोद में भी खिला सकती हो, भास्कर की कमी भी महसूस नहीं होगी। ये पंडित रामकृष्ण। हमारा तो कद भी एक बराबर है, क्या जोड़ी जमेगी। नहीं, इन्हें देखो कितनी प्यारी प्यारी हैं, भारी भारी भी है। अरे पंडित रामकृष्ण, अपने पांव पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हो, साथ ही साथ हमें भी घायल कर रहे हो, क्यों? पंडित रामकृष्ण। ए गुरुवर, आप कब आए? जब आपने देखा तभी आए। पंडित रामकृष्ण, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। तनिक आइए। नहीं नहीं गुरुवर, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। परंतु समझा कीजिए। ये हमें मरवाएगा। बस, अब आप और कोई विवाह नहीं करेंगे, ना इंद्रियों से और ना ही सुगंधा से। हम तो केवल आपसे परिहास कर रहे थे, हम तो ये देखना चाहते थे कि यदि हम आपको स्वतंत्र छोड़ दें तो आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा नहीं। अम्मा भी इस योजना में शामिल थी। हाँ। और सुगंधा, आपका धन और आभूषण वैसे के वैसे ही पड़े हैं, आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप शारदा बहन? आपने हमें वचन दिया था। वो वचन एक मिथ्या थी सुगंधा, आपको स्वयं सोचना चाहिए था। भला एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ अपना पति कैसे बांट सकती है? हमारा क्या होगा? उठा लो। बस, अब हम बोलेंगे। उठा लो ना ये धन और सारे आभूषण, ले जाओ यहाँ से और प्रस्थान करो, निकलो। अरे अब क्षमा करना देवियों, अगले जन्म में भेंट होगी। और सुगंधा तुम, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब हमारे घर से प्रस्थान करने की तैयारी करो। नहीं अम्मा, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ पंडित रामकृष्ण का सौदा किया है और आप दोनों अपने वचन से पलट नहीं सकती। रामा मेरा पुत्र है, शारदा का पति है, रामा पे अधिकार हमारा है। परंतु हमने पंडित रामकृष्ण के बदले धन दिया है। तो ले जाइए अपना धन, हमने कब मना किया, ले जाइए। पंडित रामकृष्ण पर किसका अधिकार है इसका निर्णय अब महाराज ही करेंगे। चलिए आप हमारे साथ दरबार चलिए। ठीक है, चलिए चलिए, चलो अम्मा, अब महाराज ही निर्णय लेंगे, चलिए। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। हम भास्कर को लेने आए हैं। भास्कर को लेने आए, इसका क्या अर्थ है? अच्छा गजासुर महोदय, आप कृपया कल आकर भास्कर को ले जाए, कहे कि आज मेरे परिवार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है, हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए दरबार जाना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि भास्कर आज के दिन के लिए हमारे साथ ही रहे। जैसे आपकी इच्छा पंडित रामकृष्ण जी। ये सब हो क्या रहा है? अरे चलो भाई, दरबार नहीं जाना क्या, महाराज को निर्णय लेना है। दरबार में तो हम भी जाएंगे। चलो दरबार। चलिए चलिए चलिए। तो शारदा देवी ने यह परिहास किया था,
पंडित रामकृष्ण के चरित्र को भांपने हेतु उन्होंने ये योजना रची थी। महाराज, हम तो इसे सत्य मान बैठे थे। शारदा देवी ने हमें वचन दिया था कि हमारे धन और आभूषण के बदले वो हमें पंडित रामकृष्ण के साथ विवाह करने की स्वीकृति देंगी। न्याय अवश्य मिलेगा, परंतु इससे पूर्व कि हम अपना निर्णय सुनाएं, हम ज्ञात करना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। रामा। महाराज, महाराज मुझे सुगंधा देवी से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्या पंडित रामकृष्ण आप? बापू, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये मरवाएगा ये पंडित रामकृष्ण। ये अब क्या कह रहे हैं? इसका उत्तरदायित्व तो तुम्हें ही जाता है शारदा। महाराज, पत्नी का पति पर अधिकार होता है। शारदा की इच्छा के विरुद्ध रामा का दूसरा विवाह करना न्याय संगत नहीं है। आप सत्य कह रही हैं अम्मा जी। एक पत्नी का अपने पति के ऊपर अधिकार होता है, परंतु कल हम सभी के समक्ष शारदा देवी और सुगंधा देवी के बीच में एक समझौता हुआ था। हम साक्षी हैं उसके। महाराज, हम वही तो कह रहे हैं। हम तो केवल परिहास कर रहे थे, सिर्फ इन्हें जांचने के लिए। शारदा देवी, आप अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु सुगंधा देवी की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकती हैं? ये व्यवहार हमारी दृष्टि में अनुचित है और इसके लिए आप दोषी हैं। कल आपने हमें ऐसा सब करने से रोका क्यों नहीं? मैं क्या करती? मुझे क्या पता था हमारे परिहास का ये परिणाम होगा। गुरुवर जी, आप ही ने कहा था ना, ये एक विवाह तभी पूर्ण होता है जब वर और वधु दोनों उस विवाह के लिए इच्छुक हो। कहा तो था महाराज, और यहाँ तो वर अर्थात पंडित रामकृष्ण और वधु अर्थात सुगंधा देवी दोनों ही इच्छुक हैं, तो हम कौन होते हैं इस विवाह को रोकने वाले? पंडित रामकृष्ण और सुगंधा देवी का विवाह अवश्य होगा। गुरु माता, पंडित रामकृष्ण के विवाह के साथ साथ अब आप हमारा भी विवाह करवा दीजिए गुरुवर से। हाँ, आप चिंतित ना हो सौदामिनी देवी, आपका विवाह अवश्य होगा। जी सौदामिनी देवी। जी कहिए स्वामी। देखो सौदामिनी देवी, विवाह करने से प्रेम का अंत हो जाता है, तो क्या आप चाहती हैं कि हमारे प्रेम का अंत हो जाए? नहीं नहीं। तो बस हम पर विवाह करने के लिए दबाव मत डालिए कृपया। परंतु गुरु माता, गुरु माता देखिए ना, गुरुवर क्या कह रहे हैं। हम प्रयास कर रहे थे। सौदामिनी देवी, यदि स्वामी कह रहे हैं तो परिहास ही होगा। जी जी। महाराज, हमारा आपसे एक अनुरोध है। बताइए। महाराज, हम विवाह होने तक पंडित रामकृष्ण के निवास स्थल में ही रहना चाहते हैं। हमें भय है कि शारदा बहन और अम्मा पंडित रामकृष्ण पे भावनात्मक दबाव डालकर उनको हमसे विवाह करने से रोक ना दें। पंडित रामकृष्ण। महाराज,
हम जानना चाहते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है महाराज। कितना गिर गया ये पंडित रामकृष्ण। क्या उचित है? तो सुगंधा देवी, आप पंडित रामकृष्ण के निवास पर इनके परिवार के साथ रह सकती हैं। धन्यवाद महाराज। सुगंधा, सुगंधा तुम हमें बड़ी बहन मानती हो ना? कृपया इसका मान रख लीजिए। हम तो केवल परिहास कर रहे थे। हम सत्य कह रहे हैं, हम इनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तुम अपना सारा धन वापस ले जाओ, ले जाओ अपना धन वापस और हमारे घर की शांति लौटा दो। इसे मांग मत करो। शारदा बहन, आपके लिए ये एक उपहास होगा, किंतु पंडित रामकृष्ण के साथ विवाह करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें क्षमा कीजिएगा, हम इस संदर्भ में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। पंडित रामकृष्ण कैसे व्यक्ति हैं आप? स्वामी, द्वार खोलिए स्वामी। क्या बात है प्रिय वरुण माला? स्वामी, धनी मनी इतनी पीड़ा में क्यों चिल्ला रहे हैं? पीड़ा में नहीं चिल्ला रहे हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक चिल्ला रहे हैं। वो कहना है कि वो दोनों हमारे और सौदामिनी देवी के विवाह में होने वाले नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं और हम अभ्यास करवा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा स्वामी, अब तो उनको नृत्य अभ्यास अच्छे से करवाइएगा, हम विघ्न नहीं डालेंगे अब। धन्यवाद जी। गुरुजी, हमारा विश्वास कीजिए। गुरुजी, हमने सोचा आपकी दो पत्नियां हो जाएगी, पति पांचों उंगलियां जी में रहेगी और सर कड़ाई में रहेगा। सुदामिनी आपके हाथ दबाएगी, गुरु माता आपके पैर दबाएगी। गुरुजी सोचिए। गंधो, हमारे शिष्य होकर हमें फंसाते हो। रे गुंडप्पे, तू आज भी गुरुकुल नहीं गया? नहीं लमा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रातः से ही सर में पीला हो रही है। अच्छा, तू जलपान कर ले, फिर मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। नहीं लमा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर विश्राम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उचित है। हा हा हा, सुगंधा देवी, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का रूप है। क्या भोजन बनाती है, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, और ये पूरियां तो मतलब। मिथ्या प्रशंसा करना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, आप कृपया तैयार हो जाइए। क्यों पंडित रामकृष्ण? क्योंकि आप मेरे साथ दरबार जाएंगी। आप बुद्धिमान हैं, आपको राजनीति का ज्ञान है, आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे महाराज को सलाह देने में सरलता रहेगी। जी, हम अभी तैयार होकर आते हैं। शीघ्र कीजिएगा। जी। क्षमा करना शारदा, किंतु तुम्हें पहली बार असहाय देखकर मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.